हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में क्या लिखा है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक एक क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का कैसे कैसे क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, मैं आपका एनसीईआरटी बुक 4.1 से शुरू कर रहा हूँ। सो देख लीजिए अपना बुक लेके क्या क्या क्वेश्चन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा 4.1 का, जो पहला क्वेश्चन है दिया है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए दिया है हमको, क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दिया ए बी सी डी, उसमें कुछ डाटा दिया हुआ है। ए बी इतना है, बी सी 5.5 है, सी डी 4 है और ए डी और ए सी। ये डाटा देखो 1 2 3 4 5 डाटा दिया है, इसको लेके हमको क्वेश्चन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले हम इसको क्या करेंगे, रफ डायग्राम कर देंगे। रफ डायग्राम मतलब होता है ऐसे कुछ रफ डायग्राम, कुछ भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी, इसका नाम करेंगे। सो ए बी का ले लेंगे 4.5, ठीक है, और बी सी ले लेंगे 5.5, ठीक है, और सी डी जो है रहेगा 4 और ये रहेगा 6, इतना हो गया। उसके बाद ए सी दिया है, ए सी का मतलब हो गया आपका 7, ठीक है, और इतना ही दिया है। दूसरा डायगोनल बी डी नहीं दिया है, 4 साइड दिया है और एक डायगोनल दिया है। ठीक है, 4 साइड और एक डायगोनल लेके कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। ठीक है, उसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सब जब क्वेश्चन ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनेंगे हमेशा, तब क्या होगा पता चलेगा कि क्या ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ए बी सी और डी, ठीक है, यहाँ दिया था 5.5, यहाँ दिया था 4.5 और यहाँ दिया था 4, यहाँ दिया था 6 और ये था 7, कुछ डायग्राम ऐसे ही था। ठीक है, उसको अगर हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे ना, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम ले लेंगे बेस, इसको ले लेंगे, ये ले लेंगे पहले 4.5, ठीक है, इसको 4.5 ले लीजिए, उसका नाम दे दीजिए बी सी, इतना तो स्केल में ड्रॉ हो जाएगा, स्केल लेके यहाँ ड्रॉ कर लीजिए 4.5, हो गया। इसके बाद सीधा यहाँ कंपास रखिए, कंपास रखने के बाद में सीधा कंपास में ऐसे 5.5 ड्रॉ कीजिए, 5.5 कंपास लेके। ये बी से ए का दूरी कितना है, 5.5 है, सो बी में रखिए कंपास का और ये यहाँ पे ड्रॉ कीजिए 5.5, कंपास में ड्रॉ करेंगे। सबको पता है कंपास, और इसको बोलते हैं सब लोग राउंडर। और यहाँ सी में रखिए, सी से ए की दूरी कितना है, 7 है, तो सी में रखिए कंपास और 7 लीजिए और 7 लेके इसे क्रॉस में दीजिए। पहले बी में रखिए 5.5 करेंगे, सिर्फ सी में रख के 7 करेंगे, जो पॉइंट टच हुआ जो आया इसको जोड़ देंगे। इसको ये जोड़ने के बाद देखो यहाँ जोड़ देंगे, ये जोड़ गया यहाँ पे, ये जोड़ने के बाद ये बन जाएगा ए, क्योंकि हम ए लेने की कोशिश कर रहे थे। मेरा बी आ गया, सी आ गया, ए आ गया। अब देखिए डी ड्रॉ करेंगे, ए से डी की दूरी कितना है, ए से डी 6 है ना, तो यहाँ कंपास रखिए, यहाँ 6 मारिए, 6 ड्रॉ कर देंगे और सी रखिए यहाँ पे और यहाँ पे 4 करिए, तो ये पॉइंट इसको ड्रॉ, ये जॉइंट कर देंगे और ये जॉइंट कर, इसका नाम दे देंगे डी। ठीक है, अब देखिए ये लिया, ये अल्टीमेटली 5.5 लिया गया था, ये 4.5 लिए थे, ये 7 लिए थे और ये 6 लिए थे, पूरा बराबर आ जाएगा। चाहोगे तो ये भी 4 था। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉ करना, देखो 4 साइड दिया था, एक डायगोनल दिया था, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। क्लियर, ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में वही दिया है, क्वाड्रिलेटरल दे दिया जे यू एम पी, देखो क्वाड्रिलेटरल दिया है जे यू एम पी, ये जे यू एम पी जंप वाला क्वाड्रिलेटरल में डाटा देखो क्या है, जे यू एम पी रफ डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रफ डायग्राम ड्रॉ कर दिए, इसका नाम दे दिए जे यू एम पी, कैसे भी नाम कर सकते हैं मगर जो भी करेंगे सीरियली करेंगे सिस्टमेटिकली। ये हो जाएगा 3.5 दिया है जे यू, ठीक है, यू एम दे दिया है 4 और इसको दिया है 5, पी जे ऊपर का दे दिया 4.5, देखिए 3.5 4.5, ये 4 और ये 5 दे दिया, और बीच में पी यू दिया है, पी यू कितना दिया है, पी यू दिया है 6.5। ठीक है, अगर इस वाला क्वेश्चन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम तो भी कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, ठीक है,
तो ड्रॉ करेंगे ये वाला क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले ले लेंगे ये वाला रफ डायग्राम, पहले ड्रॉ कर लो ताकि रफ डायग्राम दिमाग में रहेगा। रफ डायग्राम करेंगे तो सबको पता ये दिया था 3.5, ये दिया था 4.5, ठीक है, ये था शायद 4, ये था 5, ये था 6, ऐसा ही था ना कुछ। ठीक है, अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, देखो डाटा में कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो कोई फर्क नहीं, डाटा में उल्टा पुल्टा तो कोई टेंशन नहीं होती, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले इस वाला ड्रॉ कर देंगे, बेस ड्रॉ कर देंगे। बेस में क्या लिया, ये यू, ये है एम। देखो हमेशा इसको कैपिटल लेना है, स्मॉल नहीं आएगा, हाँ कैपिटल में इसको कैपिटल लेना है हमेशा, यू। ओके, तो ये कितना ले लेंगे, 4। तो स्केल यूज करके यहाँ से यहाँ 4 ले लीजिए स्केल में। देखिए यू से एक 6 cm का ड्रॉ करेंगे ऐसे, कंपास यूज करके, राउंडर यूज करके, और यहाँ से मारेंगे 5। यहाँ से लिया मैं 6 का और यहाँ से लिया 5 का, ऐसे जोड़ गया। जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट को यहाँ जोड़ दीजिए और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए पी। मैं ये वाला पार्ट खत्म कर दिया। अब पी से जे की दूरी है 4.5, तो पी में रखिए कंपास, कंपास और यहाँ पे 4.5 लेके यहाँ मारिए, और ये का दूरी है 3.5, तो यहाँ रखिए कंपास, ये हमारी 3.5, और इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ये बन जाएगा जे, जे यू एम पी बन गया। यहाँ चाहेंगे तो यहाँ लिख लेंगे, ये सर 5 cm है, ये 4 cm है, ये 3.5 cm है, और ये बन जाएगा 4.5 cm, और इसको लिख लेंगे 6 cm। पूरा ऐसे लिख के cm लिख के कंस्ट्रक्शन खत्म करेंगे। ठीक है, ऐसा था क्वेश्चन नंबर 2। सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है ना, सब पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया है। पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेललोग्राम का नाम क्या दे दिया, मोर। ठीक है, डाटा दिया है ये 3, देखो डाटा दिया है ये 3, सिर्फ 3 डाटा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम 3 डाटा लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 डाटा में क्या दिया है, एक तो 6 दिया है, एक 4.5 दिया है, 7.5 दिया है। देखो पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसे नाम ऐसे में कर देता पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर, रफ डायग्राम कुछ भी कर सकते हैं, और नाम के लिए लिखेंगे एम ओ आर ई, कुछ भी लिखेंगे, मोर दिया है ना वो लिख दिए। ओ आर का वैल्यू दिया है 6 cm। कोशिश करेंगे कि हमेशा बेस का वैल्यू लिखने के लिए, अगर नहीं दिया तो नाम ऐसे लिखे कि जैसे बेस रहेगा, ड्रॉ करना वहाँ से ईजी था सबके लिए। तो ये 6 cm ले लिए ओ आर, उसके बाद आर ई, ये जो है ये होता है 4.5, इतना काफ़ी हो गया। देखिए ये 6 है तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल भी बोला था, तो ये भी 6 है और ये भी 4.5 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर थे। और बीच में दे दिया ई ओ, ई ओ समझ रहे हैं, ये दे दिया 7.5। देखिए अभी अभी देखिए आंसर कितना ईजी हो गया, पूरा ईजी हो गया, 6, 4.5 और 7.5। देखिए इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले ले लेंगे पहले क्या करेंगे पहले बेस ले लेंगे। ठीक है, पहले बेस ले लीजिए, बेस में कितना लिया है, 6, बेस में 6 लिया है ना, 6, 4.5, 7.5, तो पहले बेस ले लीजिए 6। ठीक है, बेस ले लेंगे 6, 6 से ले लिया बेस में। ठीक है, और यहाँ से दूरी था जो डायग्राम बनाया था, डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम क्या था, ये था 6, ये था 4.5 और ये था 7.5। ठीक है, ये 6 मतलब ये भी 6, ये मतलब ये 4.5, ऐसा था ना। तो क्या करेंगे, पहले 6 ले लेंगे, 6 लेने के बाद में यहाँ से ड्रॉ करेंगे 4.5। कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे सीधा में ले लिया, सीधा नहीं लेना है, पहले यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले 6.5 ले लीजिए, 6.5 ले लीजिए स्केल यूज करके, पेंसिल यूज करके, यहाँ से कंपास रख के यहाँ 4.5 करिए। ठीक है, और यहाँ से कंपास रख के यहाँ 7.5 करिए। कंपास मतलब राउंडर बोल रहा हूँ मैं, इसको यूज करके ही करना है, स्केल में वैल्यू लेना है और यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये हो गया 4.5 और ये हो गया 7.5। अच्छा मुझे क्या पता है ना, यहाँ तक दूरी जो है, यहाँ तक दूरी कितना है, 6.5 है। अगर यहाँ तक दूरी 6.5 है तो यहाँ कंपास रखिए, यहाँ पे 6.5 ऐसे करिए। अच्छा मुझे और भी पता है, यहाँ से जो यहाँ है, यहाँ से ये, यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से कितना दूरी है, यहाँ से दूरी है वो कितना है, 4.5 है। ठीक है, एक काम करेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ 4.5 करेंगे, इसको जोड़ देंगे इसे। जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा 6.5, और नाम लेने के लिए
जो भी नाम दिया है, एम ओ आर ई, ऐसे लिख सकते हैं, बन गया मोर, और ये का पार्लर का। ठीक है, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब लोग कर पाएंगे, बेसिक से समझिए तो हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है रोम्बस ड्रॉ करने के लिए, दिया है रोम्बस का नाम दिया है बी एस टी। ठीक है, बेस्ट करके दो डाटा दिया है, 4.5 एंड 6, बीई एंड ई टी, बीई एंड ई टी का 4.5 एंड 6 दिया है। रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखिए रोम्बस सबको पता है, रोम्बस ऐसे होता है, हाँ कि नहीं, तो ले लेंगे बी ई एस टी, ये दिया है 4.5 बी, ठीक है, और ई टी दिया है 6, इतना ही दे, बाकी हमको कुछ नहीं दिया। तो क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे, हमको सबको पता है रोम्बस का सब साइड इक्वल है, तो ये अगर 4.5 है, ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, और ये भी 4.5 है, सब का सब वैल्यू 4.5 है, और ये वाला जो बीच का 6 है। कुछ करना नहीं है, सबसे इजी है ये, इतना ऐसे दे दिया ना, तो सबसे इजी है। देखिए कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, जो पहले बेस ले लेंगे, पहले इसको मैं ले लेता हूँ, इसका नाम था ई, इसका दे दिया टी, ये दो पॉइंट ले लिया। देखिए मुझे ऊपर जाने के लिए 4.5 चाहिए और यहाँ की 4.5 चाहिए, तो यहाँ रखिए कंपास, ऐसे 4.5 मारिए और यहाँ रखिए कंपास, फिर 4.5 कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ फिर कंपास रखिए, यहाँ 4.5 और यहाँ कंपास रखिए 4.5, अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए ये बन गया बी, ये बन गया एस, देखिए ये बी एस टी बन गया, सबका वैल्यू 4.5 लिया हूँ, तो सबका 4.5 लिख लीजिए, और इसका लिख लीजिए 6 cm, ऐसे ऐसे कर दीजिए, ये बन गया रोम्बस। कुछ करना नहीं है, स्टेप्स देखिए, कुछ क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो उसको वीडियो में फिर बैक करके फिर स्लो स्लो में चलाइए और देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा तो टेलीग्राम में आइए या फिर ग्रुप सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बता दूंगा क्या करना है क्वेश्चन में। कुछ कुछ क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए इसका भी 3 क्वेश्चन दिया है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 4.2 को। कोई डाउट नहीं है आई थिंक, कुछ डाउट होगा तो बोलिए। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल यहाँ भी फर्स्ट करने के लिए दिया है, देखिए यहाँ मैं कोशिश करता हूँ करने के लिए। क्वाड्रिलेटरल एल आई एफ टी बोला है, ठीक है, पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कोई मतलब नहीं, रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए रफ डायग्राम जो ड्रॉ करने के लिए जाएंगे, देखिए रफ डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके मैं ले लेता रफ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। लिफ्ट, लिफ्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल कोई भी ले लीजिए, कुछ मतलब नहीं कैसा लेना है क्या लेना है, एल आई एफ टी ले लिए। एल आई का दिया है 4, आई एफ का दिया है 3, टी एल समझ रहे हैं, ये वाला दिया है 2.5, ठीक है, एल एफ समझ रहे हैं, ये दिया है 4.5, ठीक है, और दे दिया आई टी, आई टी मतलब ये वाला डायग्राम, ये दे दिया है 4। तो मुझे यहाँ क्या क्या दे दिया, ये साइड और ये साइड, 3 साइड दिया और 2 डायगोनल दिया। देखिए जैसे भी करके वो 5 डाटा दे दिया, नहीं तो नहीं कर पाते, बस एक ही साइड नहीं दिया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कुछ करना नहीं है, ऐसे ही ड्रॉ करना है, कुछ टेंशन नहीं है, रफ डायग्राम कीजिए और आंसर कीजिए, बहुत ईजी है। देखिए कोशिश कीजिए, मैं करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। पहले क्या करेंगे यहाँ पे 3 सेम जो है ना, पहले बेस ले लेंगे, उसके बाद दोनों आंसर इजी है, उसके बाद दोनों इजी है, देखते हैं क्या करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले ले लेंगे 4C, पहले ले लेंगे एल आई एफ टी, ऐसे रफ डायग्राम में मिटा देता हूँ, इसे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, एल आई एफ टी कर दिया, और मुझे पता है एल आई 4 और आई एफ होता है 3, तो पहले मैं बेस में ले लूँगा आई और यहाँ ले लूँगा एफ, आई एफ ले लिया 3 cm, ले लिया एफ 3 cm, ओके मुझे आई से एल तक जाने के लिए, मतलब आई एल का वैल्यू कितना है 4 cm है, यहाँ कंपास रखिए, यहाँ 4 cm आ रही है, हो गया। और मुझे एल तक पहुँचने के लिए और कुछ दिया है क्या, देखिए एल आई दिया है, फिर ऐसे एल कहाँ दिया है क्या, हाँ दिया है सर, कौन सा दिया है, टी एल दिया है, मतलब टी तो है नहीं, अच्छा एल एफ दिया है, अच्छा 4.5 दिया, देखो एफ है और यहाँ एल है, हम जानते हैं एफ से एल का वैल्यू कितना है 4.5, तो यहाँ रखिए कंपास, यहाँ 4.5 मार दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसका वैल्यू आ गया L। कोशिश करना है कि दो आएगा तो उसका तो 2 क्रॉस आएगा, ऐसे क्रॉस आएगा तो सो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ओके अब देखिए L I F आ गया T जाने के लिए क्या, एक तो L से T जा सकते हैं, दूसरा F से T जा सकते हैं,
देखिए एल टी दिया है 2.5, तो यहाँ रख के मैं 2.5 से कर दिया। दूसरा मुझे ये एफ से टी, देखिए एफ से टी तो नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो कुछ दिया होगा टी जाने के लिए। हाँ सर दिया है आई टी, आई टी मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी दिया है 4, तो यहाँ आई रखिए, यहाँ 4 को मार दीजिए, जैसे 4 लिखे तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये बन गया टी, ये हो गया एल आई एफ टी। देखो पहले एक पॉइंट लाने के लिए मुझे दो कंडीशन चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट कैसे आएगा, पॉइंट उसी पॉइंट को सर्च करने के लिए कोशिश हल करना है और कुछ करना नहीं है उसमें। सो देखिए प्रॉफ डायग्राम कीजिए और आंसर कीजिए, इतना ही क्वेश्चन में करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर बोला है कि क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है गोल्ड का, और गोल्ड का डाटा दे दिया है, ठीक है। रफ डायग्राम पहले ड्रॉ कर दीजिए, मैं रफ डायग्राम छोटा सा कर दे रहा हूँ ताकि मुझे कुछ स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए, ओके ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए रफ डायग्राम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, अगर रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्वाड्रिलेटरल दिया है गोल्ड, देखिए मैं यहाँ रफ डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ, कोशिश कीजिए समझने के लिए रफ डायग्राम क्या दिया है। यहाँ पे रफ डायग्राम कर देता हूँ गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड कर दिया, यहाँ जी, यहाँ ओ, यहाँ एल और यहाँ डी, गोल्ड हो गया। मुझे दिया है ओ एल, ओ एल मतलब 7.5 दिया, ये हो गया 7.5, ठीक है। जी एल, जी एल मतलब ये वाला डायगोनल, ये दे दिया कितना 6 दे दिया, ड्रॉ कर दीजिए। जी डी ऊपर वाला दे दिया, जी डी कितना ना 6, ओके। एल डी, एल डी मतलब ये वाला साइड, ये दे दिया 5, कितना डाटा हुआ 1, 2, 3, 4, और एक देगा ना ओ डी, ओ डी कितना दिया है 10, ये वाला दे दिया है 10, ठीक हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखिए अब कैसे आंसर करेंगे, अभी आंसर करना सबसे ईजी है, पहले क्या करेंगे बेस ले लेंगे, बेस में क्या है 7.5, ले लीजिए बेस में ओ ले लीजिए और इसको एल ले लीजिए, ओ एल हो गया कितना 7.5, इसको स्केल यूज करके 7.5 ले लेंगे। अब देखिए मुझे एल से डी जाना है, एल से डी की दूरी कितना है 5 है, तो एल रखिए कंपास और यहाँ पे 5 लेके ऐसे क्रॉस मारिए, ठीक है, एक आर्क कर दीजिए, इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से ओ से डी कितना दिया है 10 दिए, मैं डी करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो एल से डी चला गया, देखिए एल से डी 5 मार दिया यहाँ पे, और ओ से डी यहाँ पे 10 कर दिया, इसको जोड़ दिया, तो ये बन गया मेरा डी। एक एक पॉइंट को टारगेट करना है। अब मुझे जी चाहिए, जी पे पहुंचने के लिए यहाँ से जी की दूरी 6 है, तो यहाँ रखिए कंपास, यहाँ पे 6 करिए, 6 हो गया। अच्छा ओ से जी का कुछ दिया है क्या, नहीं सर ओ जी नहीं दिया है, तो कुछ तो जी के लिए दिया होगा दूसरा डाटा, सर एल जी दिया है, एल जी कितना दिया है 6, तो एल पे रखिए 6 पे मारिए, ये जी हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो ये बन गया जी, ये हो गया जी एल डी। दो डाटा दिया होगा, बस सॉल्व करना है, उसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, डरने की जरूरत ही नहीं है, ईजी है। नाउ अब दे दिया रम्बस बी एन डी, ओके रम्बस बी एन डी ड्रॉ करेंगे, पहले रफ डायग्राम बनाएंगे, ऐसे रफ डायग्राम कर दीजिए, रफ डायग्राम करने का सब कुछ पता चल जाएगा, ये हो गया बी, ये हो गया ई, ये हो गया एन, ये हो गया डी, मुझे क्या क्या दिया है ना सर बी एन दे दिया, मतलब ये वाला डायग्राम दिया है और डी ई दिया है, अच्छा ये वाला डायग्राम, दोनों डायग्राम दिया है मुझे, एक तो बी एन दिया है और ई डी दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है, बस हमको दोनों डायग्राम लेके सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसी को ले लेंगे, ठीक है, इसको आधा इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, कुछ नहीं है करना है क्वेश्चन में, दो डायग्राम दिया है, ड्रॉ कीजिए दो डायग्राम को, ओके। देखते हैं पहले क्या करेंगे, पहले डायग्राम ले लेंगे, ये वाला डायग्राम जो रफ डायग्राम था बी एन डी, सबको पता है रफ डायग्राम कैसा था, रफ डायग्राम ऐसा था, ये और ये, इसका वैल्यू था बी ई एन डी, इसका ई डी का वैल्यू था 6.5 और बी एन का था 5.6, तो ठीक है 6.5 था, पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे 6.5 ले लेंगे, ये हो गया ई, ये हो गया डी और ये हो गया 6.5, ठीक है, बढ़िया से देखिए तब समझ में आएगा, ओके। और मुझे क्या करना है, और कुछ साइड्स तो मुझे पता नहीं है, कैसे करूँगा ना सर, हम जानते हैं रोम्बस में एक प्रॉपर्टी था, हम पढ़े थे सर रोम्बस में दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा आधा आधा है और लेफ्ट का हिस्सा और राइट का हिस्सा आधा आधा है, मतलब इसको अगर मैं आधा कर दूंगा तो ये आधा आधा हो जाएगा, यही था ना, हाँ कि नहीं, ठीक है वही करेंगे हम। देखिए अभी क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ ले ले इसको आधा करेंगे, अच्छा एक लाइन को कैसे आधा करते हैं कुछ पता है आपको, नहीं पता, देखिए यहाँ पे कंपास का जो सार पॉइंट है इसको रखिए, ठीक है, कंपास को रखने के बाद यहाँ से एक बड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए, जैसे कि जो पेंसिल है, पेंसिल है इसके लगभग आधा से यहाँ तक आएगा, मतलब इसका पूरा मेजरमेंट कर दीजिए कंपास से, थोड़ा घटा दीजिए थोड़ा सा,
घटा दीजिए, जैसे कि इसका आधा अगर मान के चलिए अगर यहाँ होगा, देख के जो लग रहा है, देख के जो लगेगा उसी को बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आगे ले लीजिए और पूरा ले लीजिए और थोड़ा घटा दीजिए, ऊपर ऐसे एक आर्क कीजिए, नीचे एक ऐसे आर्क कीजिए, और यहाँ पे भी एक उसी को, कोई डाटा कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसे उसी का जो जो वैल्यू लिए थे ऐसे कंपास में उसी को ज्वाइंट कीजिए, यहाँ पे जो लाइन जाएगा ना वो एग्जैक्ट दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एग्जैक्ट एग्जैक्ट दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, हो गया आधा कर गया। अब देखिए मुझे पता है सर ये वाला डाटा कितना है सर, बी और एन का डाटा कितना है सर ना 5.6 है, और मुझे पता है ऊपर का हिस्सा भी आधा आधा होगा, हाँ कि नहीं, अगर 5.6 हो गया पूरा का लेंथ तो आधा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2.8, 5.6 का आधा कितना है 2.8, क्योंकि 56 का आधा 28 होता है, मतलब यहाँ रख के कितना करेंगे 2.8 मार देंगे, और यहाँ रख के क्या करेंगे 2.8 मार देंगे, यहाँ कंपास रखिए, कंपास का सर पॉइंट यहाँ 2.8 स्केल से ले लीजिए, उसको मेजर करके यहाँ पेंसिल से 2.8 कर दीजिए और यहाँ पे 2.8 कर दीजिए, दो जो दो पॉइंट आए दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिए, से जोड़ दिए दो पॉइंट को, ये बन गया बी एन डी, बैंड बन गया। क्या किया मैंने पहले, पहले ये वाला ले लिया, कितना था ये 6.5, इसको आधा कर दिया, आधा करने के लिए क्या करना है, यहाँ रखना है कंपास का सार पॉइंट, यहाँ इसे थोड़ा सा पूरा मेजर करके थोड़ा घटा दीजिए यहाँ तक, फिर ऐसे मारिए और यहाँ रखे ऐसे मारिए, और ऊपर से यहाँ ऊपर ऐसे मारिए और यहाँ से ऐसे मारिए, जो दोनों पॉइंट को ऐसे लाइन खींच दीजिए, लाइन खींचने के बाद मुझे पता है दूसरा वाला है 5.6, मतलब ऊपर का आधा नीचे का आधा, ऊपर 5.6 आधा 2.8 है और नीचे का 5.6 के लिए 2.8 है, तो इस वाला मिडिल वाला पॉइंट है ना, ये वाला मिडिल पॉइंट में रखिए कंपास से 2.8 यहाँ के लिए और 2.8 यहाँ के लिए, जहाँ पे टच किया इसको जॉइंट कर दीजिए। देखिए मैंने जो डायग्राम किया ये क्रॉस पॉइंट के बाद में ही आया, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि ऊपर आएगा, कहीं भी आ सकता है, मतलब ये वाला लाइन पे कहीं पे भी आएगा, वो वाला लाइन वो जो ये जो क्रॉस किया ना कहीं भी आ सकता है, यहाँ इसका नीचे भी आ सकता है, इसका ऊपर भी आ सकता है, इसलिए से डरने की कोई मतलब नहीं है, बस ये 2.8 और ये 2. होना जरूरी है, ये इसका टोटल मेजर 5.6 होना चाहिए और इसका टोटल 6.5 होना चाहिए, बस उसके बाद ये चार पॉइंट को जोड़ दीजिए, खत्म कहानी, यही था कहानी रामबोस्ट्रा करने का। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे बोलिए, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें थोड़ा एंगल देगा, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, इसको भी हम कर लेंगे फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन वही क्वाड्रिलेटरल दिया है, मोर ड्रॉ करने के लिए बोला है, वही मोर को हम ही ड्रॉ करेंगे। अभी देखिए मोर ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करेंगे, देखिए पहले मोर ड्रॉ करने के लिए क्या दिया है, सर दिया है रफ डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रफ डायग्राम कीजिए, तब जाके पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मोर कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं रफ डायग्राम कर रहा हूँ, जैसे भी कर सकते हैं डायग्राम को, ऐसा कुछ नहीं है। ले लिया MORE, ले लिया MORE, ठीक है। अब MO का लेंथ होता है 6 cm, तो यहाँ ले लीजिए 6, ओ आर का वैल्यू होता है 4.5, तो इसको ले लीजिए 4.5, ठीक है। और M का एंगल होता है 60 डिग्री, इसको 60 डिग्री लिखिए, ओ का एंगल होता है 105, ठीक है। R का होता है 105, इसको भी ले लीजिए 105, ठीक है। E का लेंथ होता है, कुछ नहीं दिया है, और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया सर, दो डाटा दिया और 3 एंगल दिया, मैं पहले से बताया कि 5 तो पक्का देगा, जैसे भी करके इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो 5 देगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ठीक है। आप देखते हैं आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, जो बता रहा हूँ उसको वही करना है, थोड़ा तो बढ़िया से देखिए। पहले हम बार बार बता रहा हूँ कि पहले हमको ये लेना है कि इसको क्या बोलते हैं बेस, स्केल यूज करके 4.5 बेस ड्रॉ कर लीजिए, ये 4.5 हो गया, और यहाँ से प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर जो दिया है ना प्रोटेक्टर, ऐसे प्रोटेक्टर यूज यहाँ डालिए, प्रोटेक्टर वाला पॉइंट डालने के बाद यहाँ खींचिए, यहाँ जो भी पॉइंट में 105 आएगा उसको करने के बाद वो सीधा बढ़ा दीजिए, से प्रोटेक्टर यूज करके 105 यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यूजिंग प्रोटेक्टर 105, मैं बार बार बोल रहा हूँ यूजिंग प्रोटेक्टर 105 ड्रॉ करना है, आई थिंक सबको पता है 105 कैसे ड्रॉ करते हैं प्रोटेक्टर यूज करके। ये हो जाने के बाद इसका लेंथ मुझे दिया है 6 cm, तो यहाँ कंपास रखिए, स्केल यूज करके 6.5 लीजिए कंपास से, उसके बाद यहाँ से मार दीजिए आर्क, मतलब ये आ गया पॉइंट M और ये पता था मुझे O, अच्छा ये वाला पॉइंट है R, ठीक है।
अब मुझे यहाँ से भी पता है 105, ठीक है, यहाँ भी कंपास रखिए, कंपास रखने के बाद यहाँ भी 105 ऐसे खींच लीजिए, ठीक है, मगर इसका लेंथ मुझे पता नहीं है, तो इसे लंबा करके खींच लीजिए, छोड़ दीजिए खींच के, हो गया। मगर मुझे एम पॉइंट में पता है 60 डिग्री, अब एम पॉइंट में प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे और 60 करके सीधा ऐसे खींच लेंगे, सीधा खींच लेंगे, ये लाइन जाके जहां जुड़ जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा ई। मैं पहले क्या किया, 4.5 ले लिया, यहाँ 105 करके आगे बढ़ा दिया, यहाँ 105 करके आगे बढ़ा दिया, इसका लेंथ मुझे पता नहीं है, इसे आगे बढ़ने रहने दीजिए, इसका लेंथ मुझे पता है, तो 6 cm लेके यहाँ इसको कट कर देना, इसे कट हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया एम, यहाँ से प्रोट्रैक्टर में 60 डिग्री लेके सीधा बढ़ा दीजिए, जो हाँ पॉइंट मिल गया जो जगह पे, वो बन जाएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका ई। सब वैल्यू आ गया, ये 105 है, ये 105 है, ये 60 है, ये 6 cm है, ये 4.5 cm है, खत्म कहानी, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब दिया है प्लान, देखिए एग्जैक्ट सेम डाटा है, वहां पे 3 एंगल था, यहाँ पे 3 एंगल है, 2 है, आप इसको कर पाएंगे, खुद से ट्राई कीजिए, एग्जैक्ट 1 का कॉपी है। अब थर्ड वाला देखिए, दिया है हियर, ठीक है, इसको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए, देखिए हियर वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए हियर वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वही पहले डायग्राम करेंगे, रफ डायग्राम, रफ डायग्राम कीजिए, पैरेललोग्राम दिया है तो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ पैरेललोग्राम को, ऐसे ले लिया पैरेललोग्राम, थोड़ा डायग्राम हिचकिच हो रहा है, ले लिया पैरेललोग्राम ऐसे, उसका नाम दे दिया एच ई ए आर, हियर हो गया। हाँ मुझे दिया एच इक्वल टू 5, आप सबको पता है ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, पूछने बात नहीं, ये दिया है 6, मतलब ये भी 6 होगा, मुझे पता चल गया 4 साइड्स, एक एंगल दे दिया आर, ये दे दिया 85 डिग्री। आप सबको पता है अगर ये 85 डिग्री है, कल बताया था जब पढ़ा रहा था पैरेललोग्राम, तो ये भी 85 होगा, क्यों ना सर, ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, करेक्ट सर, अगर ये 85 है सर, मुझे और एक बात पता है, क्या पता है ना सर, ये अगर ये जो एडजेसेंट एंगल होता है ना सर, ये दोनों मिलने पर 180 होता है, अगर ये 85 हो गया तो ये कितना होना जरूरी है, क्योंकि मुझे तो 10 दोनों मिला के 180 करना है, ऑलरेडी चला गया ये 95 पक्का पक्का हो जाएगा, ये 85 था तो मतलब ये भी 85 है और ये 95 होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम सम इज 180 डिग्री। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखो कितना इजी है, पहले ले लेंगे यहाँ पे ई ए, ठीक है, यहाँ ले लेंगे 6 cm, यहाँ प्रोटेक्टर यूज करके कर देंगे 85 डिग्री, बढ़ा दीजिए, प्रोटेक्टर यूज करना सबसे ईजी, और यहाँ कर दीजिए 95 डिग्री, खत्म हो गया, यहाँ 85 कर दिए या 95 कर दिए, ओके। यहाँ पे लेंथ उसका दिया है, कितना दिया है 5 दिया है, तो यहाँ कंपास का शार्प पॉइंट रखिए, पेंसिल स्केल यूज करके इसको कर दीजिए 5 cm, सबको पता है ये भी 5 है, यहाँ पे भी वही रखिए, कंपास रखिए, यहाँ 5 cm जोड़ दीजिए, ये 5 cm ये भी ले लीजिए, कुछ करना नहीं है, बस दो पॉइंट को ऐसे, क्योंकि ये लाइन पे एक कट कर दिया ना इसको, देखिए जहाँ ऐसे 2 आ गया या फिर एक लाइन पे ऐसे कट हो गया, जहाँ पे कट हो गया ना, कुछ हो गया ना, तो ये पॉइंट आ जाएगा और ये भी पॉइंट आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए, पक्का पक्का एच ई ए आर बन जाएगा, क्रॉस चेक करेंगे कि ठीक गलत हुआ कि सही हुआ, तो क्या करेंगे, ये 6 cm में, तो ये पहले मेजर कर दीजिए 6 cm ही आएगा, अगर ये 85 लिए थे ना तो इसको मेजर कीजिए 85 आएगा, मतलब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आएगा, तो मतलब बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है, स्टेप्स फॉलो करके कीजिए, आंसर इजी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए बोला है, रेक्टेंगल सबसे तो इजी है, सबको पता है, रेक्टेंगल कर दिए, उसका नाम दिया है ओके, ओ के ए वाई, ओके दे दिया, ओके देने के बाद ओ के का वैल्यू दिया है 7, इनडायरेक्टली मुझे बोला ये भी 7, के ए दिया है 5, तो ये भी दिया है 5, बस ड्रॉ करना, देखो कितना ईजी हो गया, पहले ले लीजिए यहाँ पे 5, अब सबको पता है ये सबका एंगल 90 होता है, कुछ करना नहीं है, यहाँ रखिए प्रोटेक्टर और 90 ड्रॉ कीजिए, यहाँ रखिए प्रोटेक्टर और 90 ड्रॉ कीजिए, हो गया, यहाँ रखिए कंपास का 7 पॉइंट और पेंसिल लेके 7, यहाँ रखिए कंपास का 7 पॉइंट पेंसिल लेके 7, और इसको जोड़ दीजिए, बस ये 7 7 बन गया, ये 90 बन गया था, क्रॉस चेक करने के लिए ये 5 था ना, इसको क्रॉस चेक करेंगे ये पक्का पक्का 5 आ जाएगा, खत्म कहानी, रेक्टेंगल बन गया है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वेरी इजी है, ओके।
ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज को। ठीक है, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं क्वेश्चन में, एकदम इजी है। देखिए 4.5, इसमें दो ही क्वेश्चन दिया है, मैं एक सॉल्व कर दूंगा, दूसरा आप लोग सॉल्व करेंगे, बताइए कौन सा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नहीं मैं पहले सेकंड वाला सॉल्व कर लेता हूँ, शायद उसमें कुछ डाउट आ सकता है, बाकी देखिए आपकी मुझे जो करना है। डायग्राम ले लेंगे पहले, रफ डायग्राम पहले ही कर देता हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग कीजिए। डायग्राम ले लेता हूँ, पहला वाला डायग्राम, जो पहले वाला क्वेश्चन के लिए डायग्राम रहेगा वो कैसा रहेगा, देखिए रफ डायग्राम ना, मुझे वाला है क्वाड्रिलेटर चल, देखिए कुछ भी क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर ले कोई फर्क नहीं, ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ले लीजिए डी ई ए आर, ले लिए, दिया है डी ई 4 दिया है, ओके, ई ए दिया है 5, ए आर दिया है 4.5, तीन डाटा दे दिया, मुझे अभी दो एंगल देगा क्योंकि क्वाड्रिलेटर में 5 डाटा देगा ही देगा। अच्छा, ई एंगल दिया है 60 और ये एंगल दिया है 90, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है ही नहीं क्वेश्चन में, मतलब देख के पता चल जा रहा है कि क्या करना है क्वेश्चन में, कितना इजी है। देखिए तो पहले क्या करेंगे, पहले 5 सेम ले लेंगे यहाँ पे यूजिंग स्केल एंड पेंसिल, और यहाँ पे प्रोट्रैक्टर यूज़ करके 60 ड्रॉ कर देंगे, हो गया, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर ड्रॉ करके 90 कर देंगे, चाहेंगे तो प्रोट्रैक्टर यूज करिए, या फिर हम लोग को तो 60 डिग्री और 90 डिग्री कंपास यूज करके ऐसे कर सकते हैं ना, ये वाला 60 होगा और ऐसे करेंगे तो ये 60, ये 120 और ऐसे करेंगे तो 90, सबको पता है, ऐसे करके भी ले सकते हैं। और क्या बोला है, ये हो गया आपका ई और ए, जैसे रफ डायग्राम किया उसी को फॉलो करना है। ई के बाद यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 cm, यहाँ रखिए कंपास का 7 पॉइंट, यहाँ 4 cm काटिए और यहाँ रखिए कंपास का 4.5 काटिए और दोनों को जोड़ दीजिए, ये है डी और ये है आर, हो गया, कुछ नहीं है, इतना ही तो है डाटा, अगर क्रॉस चेक करेंगे तो भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड वाला क्वेश्चन सेम मेथड में होगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सेम डाटा दिया है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट दिया है, बस एक चीज याद रखना है, यहाँ पे बता देता हूँ, क्वेश्चन को टफ करेगा कभी तो, यहाँ पे जो नीचे वाला जो वैल्यू ले रहे हैं ना कि मैं यहाँ पे लिया था, ऐसे लिया था, आप सब देखे होंगे डी ई ए आर लिया था, कभी कभी यहाँ थोड़ा घुमा के लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मुझे दो एंगल दिया है, कौन सा ई दिया है और ए दिया है, दोनों अगर नीचे देगा एंगल ना तो हमको ड्रॉ करने के लिए इजी होगा, कहीं अगर ये वाला एंगल दे देता तो क्या करते, फंस जाते ना वहाँ पे, तो डायग्राम ऐसे बनाइए सो दैट अगर मेरे पे मुझे यहाँ पे डी और ई का वैल्यू दिया होगा, अगर मुझे यहाँ पे डाटा ड्रॉ करने के टाइम पे, सोचिए क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे डी ई ए के बदले इसको अगर डी दिया होता, ये डी दिया होता तो क्या करते जानते, मैं यहाँ पे लेता डी ई ए आर, क्यों जानते हैं, क्योंकि मुझे दो एंगल यहाँ चाहिए, नीचे चाहिए, तो मतलब डी लेता है यहाँ पे 90 और यहाँ था 60, देन एज यूजुअल सॉल्व करता है, बाकी कुछ करना नहीं, बस एक चीज़ रखना है, अगर नीचे लेंगे तो अच्छा होगा, एक चीज़, दूसरा डैट वैल्यू लेने के टाइम पे ना सीधे ले लीजिए, डी लिया है यहाँ पे तो उसके आगे ई, उसके आगे ए, उसके आगे आर, ऐसे लेना है, ऐसा नहीं कि डी यहाँ ले लिया, ई यहाँ ले लिया, ऐसे उल्टा फुल्टा लेगा तो गलत हो जाएगा, ओके, चलिए ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5, मैं जो भी क्वेश्चन अभी करके आया हूँ ये सब क्वेश्चन को अगर मिला दिया जाए तो ये बनता है 4.5। 4.5 क्या है, पूरा पूरा सबका मिला जुला है, सब अगर मिल जाएगा तो ये बन जाएगा, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, देख लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व करूँगा यहाँ पे, देख लीजिए, पहला दिया है स्क्वायर, स्क्वायर क्या जानते हैं सब लोग, स्क्वायर ऐसा होता है, नाम दे दिया, एक दे दिया आर ई ए डी और एक का वैल्यू दिया है 5.1, ये दे दिया 5.1, सबका पता है स्क्वायर का वैल्यू इक्वल 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 होता है तो 5.1 ले लेंगे सबका, तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे 5.1 ले लीजिए, और सबका एंगल जानते हैं 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री यूजिंग कंपास 60 120 90 60 120 90 कर लीजिए, और यहाँ से 5.1 यहाँ से 5.1 काट के इसे जोड़ दीजिए, बन गया कि स्क्वायर, क्योंकि ये 90 ले लिए, इसका डिस्टेंस कितना है 5.1 है ना, यहाँ कंपास का 7 पॉइंट रखिए, यहाँ 5.1, यहाँ कंपास रखिए 5.1 और जोड़ दीजिए फाइनल इसको, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रोम्बस ड्रॉ करना है, दो डायग्नल दिया है, तो पहले हम करके आए हैं इसको रोम्बस को, क्या करेंगे पहले एक डायग्नल ले लेंगे, कोई भी डायग्नल ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ एक डायग्नल, देखिए क्या करेंगे, पहले डायग्राम ले लेंगे एक ठो, ये ले लिए, लेट से ये 5.2 है, इसको आधा करेंगे,
आधा कैसे करेंगे, यहाँ कंपास का 7 पॉइंट रखिए, यहाँ पेंसिल खींच के यहाँ तक मेजर कीजिए, थोड़ा सा घटा दीजिए कंपास से, थोड़ा कंपास से घटा के ऊपर एक आर्क नीचे का आर्क, यहाँ पे ऊपर एक आर्क नीचे का आर्क, इसको जोड़ दीजिए, ये जो लाइन दे जो पॉइंट देके जाएगा ये दोनों को हाफ हाफ कर देगा। और मुझे पता है सर ये ऊपर से नीचे जो गया ये भी दूसरा डायगोनल है, और दूसरा डायगोनल ऊपर हाफ नीचे हाफ रहेगा, तो दूसरा पॉइंट कितना है 6.4 है, उसको आधा कर दीजिए 3.2 आएगा, तो ऊपर से 3.2 काटिए, नीचे से 3.2 काटिए, इसको जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए, मेजर कीजिए, ये पूरा 6.4 होगा, क्योंकि ऊपर 3.2 है नीचे 3.2 है, तो 6.4 हो गया, और ये पूरा 5.2 होगा, खत्म डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट दिया है एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए बोला है, दो एडजेसेंट लेंथ दिया है 5 एंड 4, देखिए एक का दे दिया 5, रेक्टेंगल समझ रहे हैं, ये दे दिया 5, ये दे दिया 4, मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 5 है, ये सब 90 डिग्री है। कितना इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या, क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, पहले यहाँ 5 ले लीजिए, यहाँ 90 ड्रॉ कर लीजिए, 60 90 120 90 120, यहाँ पे ले लीजिए 60 120, यहाँ 90 करके बढ़ा दीजिए, मुझे पता है ये 4 है और ये 4 है, यहाँ से पॉइंट रख के 4 काटिए, यहाँ पे रख के 4 काटिए, जोड़ दीजिए उसको, खत्म। और क्रॉस चेक करने के लिए इसको चेक कर लीजिए, 5 ही आएगा। ठीक है, और ये जो ओके वाला क्वेश्चन दिया है, देखिए नीचे क्या दिया, ओके ड्रॉ कर दिया, एक 5.5 दिया है और एक 4.2 दिया है, बोला है ओके ड्रॉ कीजिए, एक 5.5 है, एक 4.2 है, इज इट यूनिक बोल के पूछा है, क्या ये यूनिक है क्या बोल के पूछा है, कुछ है नहीं उसमें, सिंपल सा सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, पहले ले लीजिए नीचे 5.5 ले लीजिए यूजिंग कंपास, मुझे पता है ये 4.2 है और ये भी 4.2 है, तो क्या करेंगे पहले, देखिए तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 5.5 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ कंपास रखिए 4.2 मारिए, यहाँ कंपास रखिए 4.2 मारिए, मार तो दिए, मगर ये बल्ला ऐसे क्रॉस कैसे होगा, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं है दूसरा वाला पॉइंट, क्योंकि मुझे तो और एक पॉइंट चाहिए ना पहुंचने के लिए, डाटा कितना दिया है यहाँ पे, डाटा तो 2 ही दिया है, 2 में तो मुझे इतना पता है, मगर ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, क्योंकि एक पॉइंट नहीं आएगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये जो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन दिया है ओके, इसको सबके लिए होमवर्क है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मुझे असाइनमेंट सेक्शन में सबमिट कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नहीं तो ट्रिक है, अगर जो जान जाएगा तो ठीक है, सबसे ईजी है, नहीं तो भी ईजी है, सॉल्व करके बताइए मुझे क्या करना है इसको। ओके, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, सबको समझ में आ गया, वीडियो को देखिए लास्ट तक, जब देख लिए लास्ट तक अब एक लाइक बटन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुँच जाए वीडियो। ठीक है, थैंक यू।